हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल इक्स व ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस तो कैसे सब लोग आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट सो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पर्सन जो है जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होगा इस रिलेशनशिप में सो लेट्स सी लेट्स फाइंड आउट यूनिवर्स विद वाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जिंदगी में उनके पर्सन जो है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन पे है ब्लॉक सिचुएशन पे है उनके पर्सन उनके लिए क्या महसूस कर रहे हैं इस पर डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे प्लीज गाइड करें ओके okay. We do have the King of Swords. We do have the Six of Cups. Queen of Chalices. Eight of Pentacles. We do have Seven of Wands. We do have Six of Wands. Bottom of the day, we have Queen of Pentacles. Okay. सो so, यहाँ पे है एक्वेर जो लीब्रा एडीज लियो एंड सच मेष सिंह धनुराशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन कैंसर पैश स्कॉर्पियो वृषभ कन्या और मकर राशि आई होप आपको सारे कार दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नंबर्स है एंड ट्रिपल पे है सेवन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पर सिक्स इज इम्पोर्टेंट सिक्स ट्वेंटी फोर्थ फिफ्टीन ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकते हैं ट्रिपल सिक्स लाइक्स कमेंट्स आप देख सकते हैं मैं भी शुक्र बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट साइन में से जो है रूलिंग प्लान है आपके आपके पार्टनर के आपके पार्टनर बहुत अच्छे खूबसूरत हो सकते हैं दिखने में काफ़ी चार्मिंग है काफी ज्यादा जैसे होता है ना अगर लड़की है तो डेफिनेटली जैसे चांद सा रोशन चेहरा बहुत ही खूबसूरत बेहद खूबसूरत आप बोल सकते हैं डेफिनेटली अगर खूबसूरत नहीं भी है तभी भी इट्स सो मच लाइक एट्रैक्टिव एंड दे कैन एक्चुअली सीड्यूज पीपल लाइक इतना इतना तक है अपेरेंस और अगर मेल है तो काफ़ी स्ट्रिट स्मार्ट हैंडसम प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा यू कैन से लाइक ग्रूम्ड उस तरह से है ना ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि जितना भी ये अपने काम पर इंगेज हो जाए ठीक है चाहे उनकी फ़ोन एंगेज हो जाए या खुद ये अपने काम कंटिन्यूस बेसिस पे करते रहें ठीक है ऐसा हरगिज़ नहीं होता है कि उनका एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जहाँ पे वो आपका जो यादें है उनको नहीं आता है नो द मेमरीज टिल लिंगर इन द माइंड एंड डेफिनेटली इन हार्ट एंड उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं को ठीक है आपके पास आ जाना चाहिए बट कहीं ना कहीं पे वो अपने आप को रेस्ट्रिक्शन में डाल देते हैं उनको लगता है कि हमेशा ही आप उनके सामने टिके गए होंगे उन्हीं के सामने आपने अपोलोजाइज किया होगा आप ज़्यादा ही प्यार जो है कंसिडरेशन जो है उन्हीं को आप किए हो इवन अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस भी रहे होंगे तभी भी आपने ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत कम फ्रेंड्स हैं स्पेशल फ्रेंड्स भी कम हैं लेकिन जितने भी हैं उनको पता है कि आप ईमानदारी से ही ठीक है निभाते हैं सो आप में कोई खोट तो है नहीं अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स हुए किसी को भी सोसाइटी में हो ठीक है कम्युनिटी में हो समाज में हो आसपास के लोगों में हो तो आप बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो यू आर वेरी सिंसियर पर्सन एंड यू आर वेरी एडोरेबल वो आपके बारे में यही सोचते हैं तो ये डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग इनकी जारी है कि ये इंसान जो है आ, किसी भी तरह आपके पास वो आए ठीक है और ये आपकी दिल जीत ले, लेके जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस बना के रखा था कि नहीं हमें सिर्फ जो है आ, अपना जो है सिर्फ देखना है मुझे अभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है एंड आई शुड बी वेरी मच यू कैन से स्ट्रिक्ट अबाउट दिस मैटर्स आई कैनॉट टेक लव सीरियसली उतना मैं नहीं ले सकता उतना मैं नहीं ले सकती बंदा जो भी बोल रहे थे वो खुद ही अभी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से चल रहे हो एक समय पे आपकी अनुभूति कुछ इस तरह से था कि इनके बिना आपका एक दिन नहीं जाएगा और क्या करेंगे आप इनके बिना जब उन्होंने आपको ब्लॉक किया होगा या आपका सेप्रेशन हो गया होगा इस इंसान से तो आपको लगा होगा कि आपका दुनिया यहीं पे ख़त्म बाद में आपने अपने आप को संभाल लिया है बट जितने भी ऑब्स्टिकल्स और अपोजिशंस आए हैं आपने खूब संभाला क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो पहले से ये तो उन्होंने रियलाइज किया है एंड यू आर ऑल्सो फाइनेंशियली वेरी इंडिपेंडेंट कुछ लोगों के लिए ऐसा है आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपको इनकी अभी कोई पड़ी नहीं है बिकॉज यू यू आर ऑल्सो आर्निंग एंड यू डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन एनी मोर इसलिए आप उनके तरफ और जाते नहीं हो और आपको अपना जो डिग्निटी है सेल्फ रेस्पेक्ट है वो पढ़ा पहले जैसा आपको ऐसा लगता था क्या हुआ अगर उसने मुझे कुछ गलत भी कहा अगर उसने मुझे ह्यूमिलेट भी किया तो क्या हुआ मतलब आप प्यार में इतने पागल हो गए थे क्या कि आपका होश ही नहीं रहा इंसान भी अगर अब्यूज़ भी कर रहे थे आपको रिलेशनशिप में तभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था बिकॉज ये इंसान आपके लिए मैटर करते थे इवन आपके पेरेंट्स भी इतना मैटर नहीं करते थे जितना ये इंसान आपके लिए करते थे लेकिन मर्यादा जो है वो सिर्फ ठीक है वो नहीं रख किया आपके ठीक है जो आप डिजर्विंग थे जब किसी कोई डिजर्विंग होता है और उसका अवार्ड नहीं मिलता या उस, वो अंडर रेटेड होते हैं तब वो भी तो डिमोटिवेटेड होते हैं ये एक दिन में डेवलप नहीं हुआ धीरे 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 आपको भी एहसास होना शुरू हुआ यू हैड ऑल्सो थ्रू स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ऑल्सो थ्रू यू कैन से दैट काइंड ऑफ रिकॉर्ड यू कैन से आइडेंटिफिकेशन ऑफ देअर एबसेंस इन योर लाइफ यू फील देयर एबसेंस वो होते हुए भी आपके लिए फैनिशिंग ही थे वो होते हुए भी आपके लिए वोलेटाइल थे उस तरह से वो अपने काम में हो सकता है काफी ज्यादा एक्सपर्ट बट प्यार के मामले में तो उनका जैसा मतलब अगर परफॉर्मेंस रेट अगर देखा जाए तो जीरो नाउ वट डू दे वॉन्ट टू डू ये क्या करना चाहते हैं वो भी मैं देखूँगी बट पहले मैं देख लेती हूँ कि उनका इंटेंशन क्या है व्हाट इज़ दर इंटेंशन करना क्या चाहते हैं उसके बाद हम वेरीफाई कर लेंगे ओके सो व्हाट डू दे वांट टू डू चाहते क्या है एट ऑफ एथम्स किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वर्ड्स कहीं ना कहीं पर ये इंसान जो है सेल्फ रेस्ट्रिक्शन इनको किसी ने नहीं रोका बल्कि इन्होंने खुद को रोका है आपके तरफ मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ ना इनकी फैमिली ने रोका है ना इनका थर्ड पार्टी है ये सब इनकी वहम है इल्यूशन है फैंटेसाइज है ऐसा बोला जाता है ना कोई आ, पहले क्या हुआ पहले आ, उनको लगा कि ये रिश्ता जो है जन्नत है धीरे 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 उनको ये रिश्ता जो है बहुत ज़्यादा बर्डन फील होना शुरू हुआ पहले पहले फॉर एग्जाम्पल आप टूर में जा रहे हो आपको लगेगा अरे वाह बहुत अच्छा है चलो अपना लगेज पैक करते हैं चलो बैठते हैं ट्रेन की सवारी करते हैं फ्लाइट की सवारी करते हैं बेहतरीन है एन्जॉय बे, करेंगे बहुत अच्छा होगा लेकिन एक के बाद एक जगह विजिट करने के बाद जो थकान हो जाती है वो वो भी कौन देखे तो आपके पर्सन जो है आपके लिए काफी उत्सुकता से इन्होंने आपको आदर सत्कार तो किया था बट दे फेल्ड टू मेंटेन इट ठीक है बिल्डिंग आप बना लेते हो बिल्डिंग का मेंटेनेंस अब नहीं देंगे तो कैसे चलेगा फिर तो वहाँ पे रिपेयर क्या होगा पानी आना बंद हो जाएगा ब्लॉकेजेस हो जाएंगे ड्रेन चोक्ट हो जाएगा तो मेंटेनेंस के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना तो मेंटेन करना इन्होंने नहीं जाना एंड यू नो वाई दिस हैपन ड्यू टू देर यू नो तामसिक एक्टिविटीज ये तम्सिक बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए एंड देयर डिस्ट्रैक्शंस हैड मेड देम लाइक दिस एंड ये डिस्ट्रैक्टेड हो गए ठीक है और उनको कई ऑप्शंस भी मिला व्हाट डू दे वांट दे वांट अ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते क्या है चाहते हैं कि बात करके ही एक जो है एग्रीमेंट पे आया जाए ये हमेशा प्रोफेशनली लेते हैं चीज़ों को तो आप माइंड मत करो ओके सो दैट्स अ गुड न्यूज दैट दे वांट टू सेटल इट एमिकेबली ओके व्हाई दिस किंग ऑफ एथन सो ये सेटल तो करना चाहते हैं, किंग ऑफ एथम्स यहाँ पे क्यों है किंग ऑफ सुअर्स यहाँ पे क्यों है रिलीज योर इनर रिवेल, बी योर सेल्फ एंड क्रिएट योर ओन यूनिवर्स अगर ये आप देख रहे हो ये जो वर्किंग पर्सन है ठीक है ये अपने दुनिया में मस्त मगन है ठीक है ये अपने दुनिया में अच्छे है ये अपने दुनिया में काम कर रहे हैं किसी का डिस्टरबेंस नहीं चाहिए इंटरप्शंस नहीं चाहिए तो ये अपने हिसाब से काम करते जाएंगे ना ये उनका मेंटालिटी था जब वो आपके साथ मिडिल ऑफ द रिलेशनशिप इट वॉज लाइक दैट दैट दे हैड बिन फोकस टूअर्ड्स वर्क एंड नॉट टुवर्ड्स यू बिकॉज उनको लगा कि मेरा ये जो है काम जो है इसको प्रायोरिटी देना चाहिए इसको मेन जो है कहीं ना कहीं पे इसको मुझे पहली बात तो है फर्स्ट बेसिस पे इसको रखना चाहिए ठीक है तो यहां पे यही है रिलीज तो वो अपने आप जीना चाहते थे अपने आप मतलब तो वो किसी का साथ नहीं चाहते थे इंडिपेंडेंटली जीना है किसी का इंटरफेरेंस नहीं चाहे उनको कोई भी प्यार कर लो ऑल राइट ना वाई दिक्स ऑफ कप्स उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है अभी भी कि मुझे अकेले ही जीना पड़ेगा और मैं प्रिपेयर्ड हूँ इसके लिए वाई सिक्स ऑफ कप्स फ्लेम्स ऑफ डिज़ायर जैसे मैंने आपको कहा सेवनटीन नंबर यहाँ पे इंसान रोकने की अपने आप को काफ़ी कोशिश करते हैं डेली बेसिस पर बट ये रोक नहीं पाते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आई टोल्ड यू ना यू आर सो फैसिनेटिंग ओके एंड यू आर सो रविशिंग एंड यू आर सो much attractive to them that they cannot forget you वो आपको भूल नहीं पाते वो आपका चेहरा जो है आंखें जो है नशीली आंखें ठीक है आपके looks definitely they cannot forget maybe you are very cute and sweet also does not matter but they cannot forget queen of cups have the courage to be free यही हो रहा है ना 28 <coughs> ये इंसान की ख्याल में सिर्फ और सिर्फ आप राज कर रहे हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं पे इनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर दम पर्सन हु इज रूलिंग देयर माइंड एंड हार्ट एंड इवन सोल आल्सो गुड सिक्स ऑफ पेंडिकल्स यहाँ पे क्यू है लिव प्लेफुली विद अ लाइट हार्ट उनको पता है कि बरोबर जो जैसा बोला जाता है ना कि हमारे आत्मा जो है उसका भी वॉइस है सो आवर सोल गिव्स आउट अ इंडिकेशन दैट वी आर नॉट राइट कभी कभी हम भी गलत हो जाते हैं ना तो तभी जो स्पिरिचुअली एवेकेंट लोग होते हैं ना उनकी आत्मा ही उनको बोल देती है भाई आप यहाँ पे मत ऐसा मत किया करो इसको मत ऐसा बोला करो क्योंकि वो गलत है वो गलत है तो इन्हीं के इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि इनको पता है आपके साथ जो रिश्ता में क्या होने का था ठीक है यहाँ पे डिस्प्यूट हुआ ठीक है आपने अटेंशन दिया उन्होंने नहीं दिया आपने उनको सबसे ज़्यादा अच्छा मान लिया जितना वो डिज़र्व भी नहीं करते थे उतना ज़्यादा आपने अटेंशन दिया उन्होंने आपके साथ ऐसा किया कि ऐसा दुख पहुँचाया जो आप इमेजिन भी नहीं कर पाए सो ये इसका जो खामियाजा है तो इनको ही भुगतना पड़ता है और इनको ही पेमेंट करना पड़ेगा सेवन ऑफ वैन यहाँ पे सेवन ऑफ वैन क्यों है दिस ऑफ ऑफ इज देयर द लव योर ड्रैगन रीचेस आउट टू यू ड्रैगन इज एक्चुअली वेरी फायरी ठीक है बहुत ज्यादा ये क्रूएल है बहुत ज्यादा ये आग बबूला हो जाता है लेकिन प्यार से ये सब कुछ सही हो जाता है प्यार से शेर प्यार से सब वाइल्ड एनिमल्स भी काबू में आ जाते हैं उनको प्यार नहीं मिलता है उनको खाना नहीं मिलता है उनको भूख नहीं है इसलिए वो इतना ज़्यादा क्रूअल हो जाता है तो वे न पर्सन इज सेटिसफाइड ये पर्सन क्या है ना किसी भी तरह से सैटिस्फाइड नहीं था क्योंकि होंगे मेट्रियलिस्टिक वे में बट प्यार जब नहीं मिलता तभी भी एक साइड जो है ही रह जाता है पर जब आपने उनको प्यार करना सिखाया ठीक है और प्यार का जो है एक्चुअल लैंग्वेज उन्होंने जाना तब कहीं कही ना कहीं पे ये इंसान आपके तरफ आने के लिए मजबूर हो रहे हैं और कहीं कही ना कहीं पे ये कोशिश करते जा रहे हैं प्लान्स उनका बहुत ज्यादा जोरदार है दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू यू नो मैटर व्हाट सिक्स ऑफ वैंस यहाँ पे क्यों है वाई सिक्स ऑफ वैंस नेचर इज कॉलिंग यू वो आपको आपकी दिल जीतना चाहते चाहे उनके साथ कोई कम लोग भी हो ज्यादा लोग भी हो उनको वो इस रिलेशनशिप में कोई सपोर्ट भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते मैं भी उनका उम्र ज़्यादा है आपकी उम्र कम है ऐसा भी मैं देख रही हूँ आपकी उम्र उनसे काफ़ी कम है ठीक है कुछ लोगों के लिए बिल्कुल अलग कास्ट है बिल्कुल अलग कम्युनिटी है ठीक है जहाँ पे हो सकता है कि उस कम्युनिटी के साथ इस कम्युनिटी का जनरली शादी नहीं होता है फिर भी बावजूद भी इंसान जो है ऐसे ही चाहते हैं कि उनके साथ जो है आपका मिलन हो ट्वेंटी इज अ नंबर फॉर द जजमेंट कार्ड सो जो भी उनका किसी का भी कुछ कहना हो सकता है बट उनका जजमेंट या उनका कहीं ना कहीं पे माइंड यही कहते हैं दैट यू आर द अल्टीमेट वन ओके नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द मैसेजेस मैसेजेस से देख लेते हैं यू आर नॉट ओनली माय फ्रेंड यू आर माय लवर यू आर माई बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड वो आपको बेस्ट फ्रेंड ही मानते हैं ओके okay.

उतना नहीं इंटरेस्ट होता है बट आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है और शायद उनके साथ शायद कोई एडजस्ट नहीं भी कर सकता था बट आप कर रहे हो यू आर नॉट अफ्रेड टू बी योर ट्रू सेल्फ अराउंड मी आप उनके सामने अपना सच्चाई रूप ही लेके आते यू आर वेरी प्योर यू कैसे दैट यू आर ऑल्सो एनलाइटेंड एंड यू आर क्लियर यू आर ट्रांसपेरेंट सो आपके ट्रांसपेरेंसी उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं so this is all about today's reading guys i hope you like it and if you definitely like please do share and subscribe thank you so much guys